नाउ वी विल टॉक अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है एयर में. हम सबको पता है कि हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, 1-2% अदर गैसेस होती हैं, और 78% यानी कि इसका ज़्यादातर हिस्सा तो नाइट्रोजन से ही बना होता है. तो ये नाइट्रोजन किस तरह से लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग्स में जाती है और नॉन लिविंग से वापस लिविंग में आ जाती है, इसी को स्टडी करने की पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. अगर हम देखें तो एनिमल्स को और प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए क्यों होती है, तो हमें प्रोटीन चाहिए होता है. प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से. जो अमीनो एसिड होती है उसमें नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है. उसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है. अब हमें चाहिए तो है, लेकिन नाइट्रोजन तो हवा में है. सो हाउ वी ऑब्टेन दिस नाइट्रोजन विच इज़ देयर इन द एयर एंड हाउ इट इज़ रिटर्न बैक टू द एयर, ये पूरी प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल. जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको प्लांट्स की जड़ों में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर चली जाती है, और उस फॉर्म से एक ऐसी फॉर्म में उसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज कन्वर्ट कर देते हैं जिसे कि प्लांट्स ले पाते हैं. जो लेजुमिनस क्रॉप्स होते हैं यानी कि दालों वाले पेड़ ज़्यादातर, उनकी जड़ों में राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं यानी कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक फॉर्म से सॉइल के अंदर ले जाते हैं. यही काम लाइटनिंग वगैरह जैसी प्रोसेस से भी हो जाता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की मदद से एक ऐसी स्टेट में चली गई है जिसे कि कन्वर्ट करके हम असिमिलेट कर पाएंगे प्लांट्स वगैरह. अब ये जो अमोनिया है या फिर अमोनियम है उस पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज ने जो प्रोड्यूस करी है उस पे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और उसे नाइट्राइट और फाइनली नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. तो नाइट्रिफिकेशन एक टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें कि अमोनिया या अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है. नाइट्रेट एक ऐसी फॉर्म है नाइट्रोजन की जिसे कि प्लांट्स की रूट्स डायरेक्टली ले जाती हैं और उससे फिर प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन. व्हाट इज असिमिलेशन? असिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स. अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारी के सारी प्लांट्स ले लें, तो कुछ नाइट्रेट फिर भी सॉइल में रह जाता है जिस पर कि डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और इस नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. जो नाइट्रोजन प्लांट्स ने ले ली है उन्हें अब एनिमल्स खाते हैं तो वो एनिमल्स के अंदर भी चली जाती है, और जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं उनकी बॉडी पर डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और उनकी बॉडी को ब्रेक डाउन कर देते हैं जिससे कि जो नाइट्रोजन है वो वापस सॉइल में चली जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन. तो इस तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट्स में गई और बायोटिक से वापस एबायोटिक कंपोनेंट्स में चली गई. इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. इम्बैलेंसेस इन नाइट्रोजन साइकिल. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से नाइट्रोजन साइकिल में और भी बाकी हर चीज में इम्बैलेंसेस होने लग गए हैं ये हम जानते हैं. जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स रिलीज करती हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं. उसी की वजह से एसिड रेन भी होती है. जब पानी बरस रहा होता है वो उसके साथ कंबाइन करके एसिड्स फॉर्म कर लेता है विच आर वेरी हार्मफुल. साथ ही काफ़ी सारा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो चले जाते हैं पानी में बहकर ग्राउंड वाटर में और ग्राउंड वाटर से फाइनली वाटर बॉडीज में. ऐसा करने से जो वाटर बॉडीज में एल्गी वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं फर्टिलाइजर्स के और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है. अब पानी की सरफेस पे बहुत सारे एल्गी ग्रो हो जाएगा तो पानी का आउटर एयर से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा. पानी का आउटर एयर से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो बाहर की ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगी. अब ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाती है तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. उससे जो जल के जीवन है, जो जल जीवन है, जो जल में एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं और प्लांट्स भी मर जाते हैं और इससे सनलाइट भी नहीं जा पाती है. इसी फिनोमेना को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन.